हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, पर अगर आप डाइट चार्ट और सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो इन द एंड यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। रमजान 2020 में रोजा करीब 16 घंटे का है, तो ये रमजान हमारे लिए IF डाइटिंग जैसा होगा। IF डाइट मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट, जो वेट लॉस का सुपर इफेक्टिव तरीका है। इसमें हम 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते और अपनी डाइट 8 घंटों में एडजस्ट करते हैं। इस डाइट चार्ट के कुछ रूल्स हैं, तो पहले उनको जान लेते हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 है, ऐड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मस्ट है वेट लॉस के लिए, पर मैं आपको हैवी वेट एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको केवल वॉक करना है 30 मिनट्स तक, बस इट्स सफिशियंट। वॉक अफ्तार से पहले करें तो बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी के पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता है और हमारा बॉडी फैट एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है, जिससे वेट लॉस आसानी से हो। रमजान इबादत का महीना है, तो आप सारी नमाजों की पूरी रकातें पढ़ें, नफिल नमाजें पढ़ें, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, सलातुत तस्बीह और कज़ाए उमरी पढ़ें, तो इससे आपको डबल फायदा होगा, इबादत की इबादत और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज। रूल नंबर 2, ऐड प्रोटीन। जब हमारी बॉडी फैट लॉस करती है तो थोड़ा सा मसल लॉस भी होता है, जो नेचुरल है। इसलिए हमने अपने मसल्स को सेव करना है, स्ट्रांग रखना है। इसके लिए हमको अपनी डेली डाइट में नेसेसरीली जो है प्रोटीन ऐड करना है, जैसे पनीर, फिश, मिल्क, एग्स, चिकन। और रूल नंबर 3 है नो फैट। फैट लॉस करने का सीधा सा फंडा है, स्टॉप इनटेक ऑफ फैट एंड कंज्यूम स्टोर बॉडी फैट। इसलिए हमें अपने डाइट से फैट कट करना है, यानी ऑयल, घी, क्रीम, बटर, मलाई, ये कम से कम लेना है। और जो फ्राइड आइटम है, जैसे जो हम डीप फ्राई करते हैं, पकौड़े, चिप्स वगैरह, इनको नहीं लेना है। रूल नंबर 4 है नो शुगर। अगर आप वेट लॉस के लिए सीरियस हो तो आपको टेबल शुगर यानी वाइट शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, यानी पेस्ट्री, मिठाई, केक्स, चॉकलेट, शरबत, आइसक्रीम, ये बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप चाय पीते हो तो चाय में आप स्टीविया या गुड़ का यूज कर सकते हो। स्टीविया एक प्लांट ओरिजिन प्रोडक्ट है और ये लो कैलोरी होता है। रूल नंबर 5, एड वाटर टू योर डाइट। वाटर वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और रमजान गर्मी में पड़ रहे हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में 3 से 5 लीटर जो वाटर है उसको जरूर ऐड करना है। रूल नंबर 6, ऑर्गेनाइज योर ओन डाइट चार्ट। मैं आपको डाइटिंग का साइंस बता सकता हूँ, उसकी वर्किंग बता सकता हूँ, पर आपको अपना चार्ट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी बॉडी फंक्शन के हिसाब से खुद ही डिसाइड करना है। तो अब चलते हैं डाइट चार्ट की तरफ। इन दोनों लॉकडाउन चल रहा है, हम आउटिंग पे भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए सिंगल सिंपल डाइट चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 डाइट्स जो हैं उनको आपको इफ्तार और सहरी के बीच में एडजस्ट करनी है। इसमें पहला है डाइट नंबर 1। डाइट नंबर 1 यानी अफ्तार। इसमें पहले आपको 1 से 2 खजूर लेनी है। ऑब्वियस, हम अपना रोजा खजूर से ही खोलते हैं। खजूर फुल ऑफ एनर्जी और कम्प्लीट डाइट है। इसके बाद आपको पानी पीना है, कम से कम 1 गिलास। फिर आपको मिक्स फ्रूट का एक छोटा या बड़ा बाउल, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक फ्रूट का मिक्स फ्रूट का बाउल लेना है। इसमें आप सीजनल फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे तरबूजा, खरबूज, क्रैप्स, पपाया, बनाना, ये सब ले सकते हो। नमाज का टाइम हो गया, चलिए मगरिब की नमाज के लिए चलते हैं। मगरिब और तरावी की नमाज के बीच में हमें डाइट नंबर 2 लेना है। इसमें मेनली आपको प्रोटीन लेना है, और प्रोटीन आपको लेना है नट्स के फॉर्म में, यानी बादाम, काजू, पिस्ता, जो आपको पसंद हो वो एक फुल ऑफ हैंड यानी एक मुट्ठी वो लेना है आपको। और अगर आप चाय पीते हो तो इसमें आप गुड़ की चाय ले सकते हो उसके साथ, मतलब स्नैक्स के साथ आप जो नट्स ले रहे हो उसके साथ आप गुड़ की चाय ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए तरावी की नमाज के लिए चलते हैं। अब बारी आती है डाइट नंबर 3 की। जो डाइट नंबर 3 लेनी है आपको, वो तरावी की नमाज के बाद लेनी है। इसमें आपको वेजिटेबल्स पे कंसंट्रेट करना है, यानी खीरा, ककड़ी और गाजर, ये सारे सैलेड्स आपको लेने हैं। और साथ में लेना है आपको प्रोटीन। प्रोटीन में आप फ्राइड पनीर ले सकते हो, और पनीर घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। चिकन ले सकते हो, फ्राइड चिकन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको गौर करनी है कि जो चिकन या पनीर को आपको फ्राइड करना है इसमें मिनिमम ऑयल का यूज़ होना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर चिकन ले रहे हो तो चिकन में आपको टंगड़ी नहीं लेना है, यानी कि लेग पीस नहीं लेना है, उसकी जगह पे आपको ब्रेस्ट यानी सीने का पार्ट जो है उसको कंज्यूम करना है, क्योंकि लेग्स में फैट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके में आप फ्राइड फिश भी ले सकते हो।
या फिर आप एग्स भी ले सकते हो, पर हाँ एग्स में भी आपको एक चीज़ करनी है कि एग में केवल आपको एग वाइट लेना है, योक आपको नहीं लेना है कि योक में फैट ज़्यादा होता है। हाँ, ये 24 आवर्स में 1 से 2 एग्स आप कंज्यूम कर सकते हो, तो आप बॉइल्ड एग भी यूज़ कर सकते हो। आप एग को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके ऑमलेट बना के उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं डाइट नंबर 4 की तरफ। डाइट नंबर 4 है शहरी। इसमें आपको लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं वो फैट लॉस में हेल्प करते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप ले सकते हो ओट्स, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, मिक्स ग्रेन की रोटी ले सकते हो या ब्राउन राइस ले सकते हो। इसमें अगर आप राइस ले रहे हो तो एक बाउल राइस या छोटे साइज की मिक्स ग्रेन की 2 रोटी सब्जी या दाल के साथ आप ले सकते हो शहरी में। कभी आपने स्वीट पोटैटो कंज्यूम कर लिया या ओट्स भी आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको 1 गिलास या तो दूध लेना है या स्मॉल बाउल, एक स्मॉल बाउल जो है वो दही लेना है। इसके आप बहुत सारा पानी भी आपको शहरी में कंज्यूम करना है, क्योंकि इसके बाद लगभग 16 आवर्स तक कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पानी अपनी शहरी में बहुत अच्छी तरह से ऐड करना है। इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आप फ्राइड पनीर ले सकते हो, फ्राइड चिकन ले सकते हो, बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप शहरी में नहीं उठते हो, तो डाइट नंबर 3 और डाइट नंबर 4 को कम्बाइंड करके आपको तरावी की नमाज के बाद ले लेना है, फिर आपको शहरी में उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको एक बात रिमाइंड कर दूँ कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। अगर आप ये डाइट 20 दिन तक फॉलो कर लेते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि 8 से 10 किलो आप वेट लॉस कर लोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई आपका सजेशन है तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।